हाँ, ऑक्सीजन इस वक्त एक दवा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और कई विशेषज्ञों का कहना है कि ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि हाई फ्लो ऑक्सीजन, तो यानी ऑक्सीजन की लगातार वो खपत बढ़ भी रही है। तो उस लिहाज से बीते एक हफ्ते के भीतर ही जो राज्यों को आवंटित था उसमें एक तरह से उसको दोगुना किया गया उस आवंटन को, लेकिन ये आवश्यकता बढ़ सकती है। इसका अंदाजा थोड़ा पहले भी कर लिया गया था और उस लिहाज से हम कुछ दिन पहले हमने देखा कि जो इंडस्ट्री को ऑक्सीजन जा रहा था उस ऑक्सीजन के सप्लाई पर इंडस्ट्री पर रोक लगाई गई और चुनिंदा जो इंडस्ट्री छोड़कर जिसमें दवा कंपनियां हो सकती हैं या एकदम एसेंशियल सर्विसेज उनको छोड़कर बाकी ऑक्सीजन को मेडिकल सप्लाई के लिए डाइवर्ट किया गया। लेकिन दिक्कत ये थी, इस बात को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, क्योंकि इस तरह की इतनी बड़ी जरूरत कभी पड़ी नहीं थी ऑक्सीजन की, क्योंकि डायनामिक सिचुएशन, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर से अलग से अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई। और हमने आज भी तस्वीरों में देखा, प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर एयरफोर्स को लगाया गया है, एयरफोर्स जो ऑक्सीजन टैंकर्स है उसको लिफ्ट करके, एयरलिफ्ट करके ले जा रहा है जहाँ ऑक्सीजन के प्लांट हैं। ग्रीन कॉरिडोर रेलवे की तरफ से बनाए गए हैं। इसके अलावा जो अतिरिक्त टैंकर्स, जो नाइट्रोजन आर्गन वाले टैंकर्स हैं, उनको कन्वर्ट किया गया है। देश में उत्पादन पर्याप्त है, इंडस्ट्री से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। हमने देखा कि टाटा हो, रिलायंस हो, जिंदल हो, तमाम इंडस्ट्री जो वो भी आगे बढ़कर सामने आ रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई राज्यों को और लागत ज्यादातर लोगों ने मुफ्त में वो ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की है। तो एक तरह से सब लोग मिलके, सिविल सोसाइटी हो, इंडस्ट्री हो, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार, सब लोग स्थिति से बाहर निकल रहे हैं। ठीक यही हाल रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात जब प्रधानमंत्री को बताएगी तो उन्होंने तुरंत निर्देश दिया था इसको उत्पादन बढ़ाने के लिए और उनके निर्देश पर, उनके आग्रह पर दवा कंपनियों ने अपने इंजेक्शन के न सिर्फ दाम कम किए, उसका उत्पादन भी दोगुना से ज्यादा लगभग बढ़ा दिया है। राज्यों को उनकी मांग के मुताबिक इंजेक्शन की सप्लाई भी की जा रही है। और कल हमने भी देखा कि एम्स दिल्ली की तरफ से एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल जारी किया गया है। तो एक तरह बहुतायत या अति में इसका इस्तेमाल ना हो, कुछ पेशेंट्स को इसकी जरूरत पड़ सकती है किन परिस्थितियों में, तो उस लिहाज से भी परिजन ना दबाव, डॉक्टर्स पे दबाव ना डाले और डॉक्टर्स भी अंधाधुंध इसका इस्तेमाल ना करें, तो उन तमाम चीजों को भी देखने की जरूरत है। तो जुडिशियसली आहिस्ते आहिस्ते, स्टेप बाय स्टेप तमाम कदम उठाए गए हैं। निश्चित तौर पर ये एश्योरेंस पीएम मोदी इन 10 राज्यों को फिर से दे रहे होंगे कि केंद्र सरकार इस लड़ाई में मुख्यमंत्रियों के साथ हर वक्त हर पल खड़ी है, तमाम चीजों के साथ, संसाधनों के साथ, मैन पावर के साथ, आर्थिक मदद के साथ। लेकिन निश्चित तौर पर राज्यों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, अगर ब्लैक मार्केटिंग कहीं हो रही है तो उस पर नजर रखना है, अगर ऑक्सीजन की कोई होर्डिंग कर रहा है तो उस पर नजर रखना है, अगर कोई इस समय में भी, इस विपत्ति के समय में भी जो अधिक दाम लेकर चीजों की, अगर 2000 की कोई चीज है उसको 50,000, इस तरह की घटना आ रही है तो सख्ती से उन पर भी कार्रवाई करनी है। और निश्चित तौर पर एक कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर वो भी लगातार होनी चाहिए, उससे वास्तविक स्थिति की न सिर्फ जानकारी मिलती है बल्कि उसके जरिए एक्ट करने में भी एक तरह से फायदा होता है, उसके परिणाम अच्छे होते हैं। तो ये तमाम चीजें जरूर पीएम का भी आग्रह रह सकता है इस बैठक में। जी बिल्कुल सुधाकर, पूरा देश कोविड के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना जरूरी है और ऐसे में वित्त मंत्रालय की तरफ से जो औद्योगिक घराने हैं उनसे भी एक तरह से अपील की गई है कि वो जो सीएसआर की राशि है वो कोविड के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल की जाए, यानी